हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग, स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का आज की इस वीडियो में। तो भाई लास्ट वाली वॉर देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली वॉर का रिजल्ट आप लोगों के सामने, 38 स्टार्स। अब चलते हैं करंट वाली वॉर के ऊपर, जो करंट में हमारी वॉर चल रही है और यहाँ पर लाइव हिट चल रहा है, तो देख लेते हैं इस अटैक को। तो फिलहाल ये अटैक चल रहा है सुपर ड्रैगन्स के साथ, और कुछ बंदे सोच रहे हैं कि भाई क्या हो गया एजाज, कुछ बोल दे यार, बोल नहीं रहा। तो भाई आप लोगों को दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक्स, एंड सभी भाइयों को प्यार है बहुत ही ज़्यादा। लव यू गाइज, लव यू एवरी वन। तो आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट दिखाया, एंड 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बोला था यार कंप्लीट करा देना, और आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया, तो थैंक यू सो मच। और एक बार सुमित भाई को थैंक यू, क्योंकि भाई इस जर्नी में उन्होंने बहुत ही साथ दिया है, बहुत सपोर्ट कराया उन्होंने हमें, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं हमें, तो इसलिए सुमित भाई को थैंक यू, एंड आप लोगों को दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अटैक जो चल रहा है इसको देख लेते हैं, क्या ये ट्रिपल हो पाएगा। सुपर ड्रैगन्स के साथ ये अटैक है, 2 स्केलेटन स्पेल्स होल्ड रखी है, टाउन हॉल को पहले निकाल लिया है, 4 फ्रीज भी हैं, किंग क्वीन एबिलिटी के साथ है, आरसी जो है वो भी उतारा नहीं है। क्वीन की हेल्थ कम है लेकिन एबिलिटी यूज़ नहीं हुई है, तो ये अच्छी चीज़ है, शायद हील हो भी जाए, हो सकती है। स्केलेटन स्पेल का यूज़ कर लिया है, और टॉप साइड में एक सिंगल इन्फर्नो है, एक कोर में सिंगल है, तो फिलहाल देखते हैं। आरसी को ही देखना था, आरसी उतार दिया इन्होंने, चलो अब ये आरसी क्या ही इनको वैल्यू देगा यहाँ से वो देखना होगा। एक फ्रीज, एक स्केलेटन स्पेल बचा के रखी है, स्केलेटन तो यूज़ कर दिए यार, ट्रिपल होगा या नहीं होगा, दिक्कत में ना जाए अटैक, क्या लग रहा है यार आप लोगों को। देखो क्वीन विन तो निपट जाएगी, सिंगल इन्फर्नो भी निपट जाएगा, आरसी पे एबिलिटी है, क्वीन पे एबिलिटी है, लास्ट कंपार्टमेंट निकलना इंपॉर्टेंट है। लास्ट कंपार्टमेंट निकल गया तो बेस निकल गया, क्योंकि एक यही तो बचा है। आरसी एबिलिटी अर्ली यूज़ कर दी, आरसी एक्सबो शायद निकाल दे, एक्सबो निकाल दिया है, क्वीन एबिलिटी बची है, अगर बच जाती है तो ट्रिपल के चांस हैं, बच गई है तो अभी देखो चांस हैं, लेकिन अगर एबिलिटी नहीं बचती तो सारे चांस वहीं पर ख़त्म हो जाते। एंड देखते हैं क्या क्वीन इस कंपार्टमेंट को क्लियर कर पाएगी। यहाँ पर एक बॉम्ब टावर है, एयर डिफेंस है, सिंगल इन्फर्नो है, एक कैनन है, एंड क्वीन जो है हील हो जाएगी जब तक थोड़ी बहुत, तो सिंगल ने पकड़ लिया, ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी, कर दी है। क्या ट्रिपल हो पाएगा यार, अलग ही चल रहा है, नहीं हो पाएगा। देखो रेंज देखो, क्या क्वीन ले पाएगी यार अब, आर्चर को पकड़ा है, नहीं हो पाएगा, पकड़ लिया ना क्वीन को इसने, ये दिक्कत आ गई, एक सिंगल इन्फर्नो ने अटैक फेल कर दिया, तो ट्रिपल हो सकता था, 98% हुआ है ये वाला अटैक। एंड देखते हैं आगे के लाइव अटैक्स उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो गाइज अगला अटैक कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन भाई साहब, इनके अटैक को देखते हैं, एंड किस आर्मी साथ ये अटैक कर रहे हैं। ये यहाँ पर अटैक कर रहे हैं सुपर ड्रैगन्स के साथ, तो आजकल भाई सुपर ड्रैगन्स बहुत ही यूज़ हो रहे हैं, तो देखते हैं, लग रहा है कि फ्लैम फिंगर के साथ यहाँ पर TS निकाला जाएगा, न्यू मशीन के साथ डाल दिए। तो 2 स्केलेटन स्पेल लिए, एक इनविजिबल भी लिया है भाई ने, टाउन हॉल निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक्टिव तो वैसे ही हो जाएगा जब सिंगल इन्फर्नो को टारगेट करेगा ये, क्योंकि TH ना बिल्कुल क्लोज रेंज में है, तो फिलहाल यहाँ पर चलो एक्टिव तो हो गया है, निकल जाएगा TH, एंड बाकी का अटैक देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेगा, कौन सा एंगल ये बनाना पसंद करेगा इस बेस पे, वो इम्पोर्टेंट है, एंगल सही रहा तो अटैक सही रहेगा। फिलहाल फनल वनल तो प्रॉपर कर रहा है ये बंदा, सही हो गया है मामला, तो 6 o'clock वाला एंगल डिसाइड किया इन्होंने, बेबी से फनल आ गया यहाँ, यहीं से अटैक स्टार्ट, एंगल बेस्ट बनाया, बेस्ट एंगल इसे कह सकते हैं हम लोग इस बेस के लिए। किंग एंड क्वीन भी डाल दिए, चलो एक रेज, वॉर्डेबिलिटी कहाँ पे यूज़ होगी वो देखना होगा, यूज़ कर दी है, सुपर मिनियंस आए CC में से, हेड हंटर्स हैं कुछ, तो पॉइजन है लेकिन ड्रॉप नहीं किया है, किंग की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि डैमेज आ रहा है, यूज़ कर दी है। फिलहाल यहाँ पर अटैक तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अटैक में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक,
रेज स्पेल डाली इस कंपार्टमेंट में, ये हैवी कंपार्टमेंट था, रेज स्पेल यूज़ करी तो चलो सही है। दो फ्रिज, एक इनविजिबल है, आगे एक्सबो का डैमेज है एंड एक्सबो का डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या ट्रिपल हो पाएगा। सीसी आ चुकी है, एयर डिफेंस को फ्रिज करना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं है। रॉयल चैम्पियन को शायद इनविजिबल से बचाना चाहेंगे, बचाया है, ये एक्सबो निकल जाएगा और ये बेस तो लग रहा है कि गाइस हो गया है, बस ट्रिपल हो ही गया है, अब कुछ बचा नहीं है। एक फ्रीज लास्ट वाली यूज़ करिए, कैनन फ्रीज नहीं कर पाए, कैनन फ्रीज हो सकती थी। चलो टाइम 30 सेकेंड है, सुपर ड्रैगन से तो क्या ही दिक्कत है, एंड सुपर ड्रैगन अंदर का देख ही रहे हैं, क्वीन बाहर बाहर आ जाएगी, तो ट्रिपल सही लग रहा है यार। देखो अब टाइम का इशू ना हो जाए, बस यहाँ तक क्वीन पहुँच जाए कैसे भी करके, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है टाइम का भी, ट्रिपल हो जाएगा। ये बेस तमाम कर दिया इस बंदे ने, ख़त्म, टाटा बाय बाय कर दिया इस बेस का। तो मैंने कहा था एंगल जो है बेस्ट बनाया इसने, बेस्ट एंगल बना लिया तो ट्रिपल होना ही था। चलो भाई साहब मस्त अटैक किया, एक ट्रिपल आ गया, एक 98 पर फेल हुआ है, और आगे करते हैं कुछ अटैक्स। तो गाइज अब हम अपना अटैक कर लेते हैं, अपने को अटैक करना है बेस नंबर एक के ऊपर, और फाइनली गाइज आ चुके हैं अटैक के लिए, तो देखते हैं क्या ये बेस बचेगा या फिर ट्रिपल होगा। यहाँ पर येटी, ये मोटर डाउन हो जाए जल्द से जल्द, ये विजार्ड, चलो भाई येटी को पिटाई मिलनी ज़रूरी है, मिल 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 पिटाई मिल, पिटाई मिल जा भाई। ये डिफेंस, अरे यार आगे भाग गया था, ये दिक्कत हो गई। यहाँ पर एक काम करते हैं, बलून ड्रैगन राइडर डाल दिया, ठीक है, एक ड्रैगन राइडर तो यार देखो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर सीन हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं क्या रहता है। यहाँ से बिलिम्पी आएगी, यहाँ से किंग एंड वॉर्डन एबिलिटी, क्लोन हो जाइयो भाई, क्लोन क्लोन हो जा, नहीं हुए बलून, बलून क्लोन नहीं हुए, ड्रैग राइडर हुआ है क्लोन। चलो फ्रिज, कोर में फ्रिज, स्केलेटन, एक फ्रिज यहाँ, तो देखते हैं क्या रहता है। पॉइजन क्वीन के ऊपर, यार कोर बच गया इसका, कोर नहीं बचना था, समझ रहे हो, कोर नहीं बचना चाहिए था गाइस, वो स्कैटर चाहिए था और क्वीन चाहिए थी, अगर आ जाती ना तो फिनिश हो जाता बेस, लेकिन नहीं आ पाया। क्वीन को तो मार दे भाई, मार, चलो क्वीन तो आ गई, ये कोर जो है ना यार ये बेस को बचा गया, एंड क्या ही करे यार इस अटैक में, आर्मी स्टॉप हो गई थी। तो फिलहाल देखते हैं परसेंटेज कितना आता है या मिलता है, एंड एक आप लोगों को क्रिएटिव अटैक दिखाता हूँ, अगला अटैक करेंगे तैयब भाई साहब, और देखते हैं क्या इनका ट्रिपल आएगा। तो तैयब भाई आ चुके हैं अटैक करने के लिए, देखते हैं इनके अटैक को, ये कर रहे हैं यहाँ पर 15 सुपर गोबलिन्स लिए हैं, ठीक है, 4 हीलर एंड 5 ड्रैग राइडर, तो देखते हैं भाई क्या कर पाएंगे ये इस आर्मी से। टाउन हॉल लेंगे सुपर गोबलिन्स से, चार्ज भी करना है इन्हें 4 हीलर के साथ, वार्डन डाला है सबसे पहले, तो वार्डन से मल्टी लेना चाहते हैं, ओके, एंड एक जंप, 2 फ्रीज हैं, 2 इनविजिबल हैं, 10 मिनियंस लिए, तो देखते हैं यार मतलब क्या ही होता है इस अटैक में। टीएच तो मिल जाएगा, इनविजिबल स्पेल सही डाला, टीएच आ गया, ऊपर से न्यू मशीन, तो न्यू मशीन से मल्टी निकाला जा रहा है, प्लान तगड़ा सा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा प्लान लग रहा है मुझे इनका, एंड बता रहे थे मुझे खतरनाक प्लान है। फिलहाल यहाँ पर वार्डन ने क्वीन को डाउन कर दिया है, वॉल ब्रेक दिया है, शायद यहाँ से क्वीन को अंदर लाना चाहते हैं,
यहाँ पर वॉल ब्रेक दिया है, किंग या क्वीन कुछ तो आएगा यहाँ से अंदर, क्योंकि वॉल ब्रेक कराया ना। वैसे क्वीन आ सकती है शायद, अब क्वीन अब डालेंगे ये कैनन डाउन होने के बाद शायद। यस नहीं, किंग डाला है भाई। ओ किंग क्वीन दोनों चीज़ डाली हैं एक साथ। चलो देखते हैं, 5 ड्रैगन राइडर्स हैं एंड वो कहाँ से डालेंगे वो देखना होगा। एक जंप डाली है भाई साहब बीच में, रेज मार दिए। वॉर्डन एबिलिटी कब देंगे वो भी देखना होगा। दे दिए वॉर्डन एबिलिटी एंड आरसी होल्ड है, सीसी आ चुकी है। फिलहाल ड्रैग राइडर्स भी स्टार्ट कर दिए एंड किंग के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा। क्वीन मल्टी निकाल लिए, मल्टी निकाल दिया क्वीन ने, पॉइजन अर्ली डाल दिया था। लावा को डाउन करना है, एक इनविजिबल बचा के रखा है अभी तक, एक स्केलेटन स्पेल भी है। तो ईगल के पास काफ़ी सारे ट्रैप्स थे एंड ड्रैग राइडर्स को डैमेज काफ़ी ज़्यादा। रॉयल चैम्पियन ऊपर से डाला था, एक स्केलेटन स्पेल होल्ड रखा है भाई ने अभी तक। क्वीन को सर्वाइव कराए थोड़ा बहुत क्या, पूरी ही सर्वाइव करा दिए यार। स्केलेटन यूज़ कर लेते यार, यूज़ क्यों नहीं कर रहा, पहले यूज़ कर लेते ना, ये आरसी बच जाता भाई साहब। गजब लेवल अटैक कर दिया है एंड बेस देख रहे हो कितनी जगह से घेरा है, 5 जगह से इस बेस को घेरा गया है। 6 o'clock, 12 o'clock, उसके बाद 3 o'clock, ठीक है, फिर टाउन हॉल सुपर गोब्लिन से लिया, फिर आरसी आया अगले कंपार्टमेंट से। अरे भाई साहब क्या ही अटैक मारा यार इन्होंने, खतरनाक अटैक मारा है भाई साहब। इस अटैक के लिए गाइज लाइक तो बनता है यार, लाइक करो, अगर लाइक नहीं कराए तो लाइक करो। एंड अगर भाई चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज जाते जाते एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो भाई साहब ये अभी तक की वॉर्स तो ठीक है कंट्रोल में एंड हारे नहीं है एक भी, क्योंकि हार तो सकते ही नहीं आप लोग चैंप एक में, अगर हार गए तो काम तमाम। तो फिलहाल यहाँ पर अगली वॉर बहुत तगड़े क्लैन से है, दिखा देता हूँ भाई साहब। ये क्लैन है एंड इसने पहली वॉर में 39 स्टार्स किए थे, तो अगली वॉर CYT की इसी क्लैन के साथ होने वाली है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो, और लास्ट वाली वॉर होगी इस क्लैन के साथ जो कि नंबर 1 के ऊपर है अभी। तो भाई साहब आगे की 2 वॉर्स बहुत ही खतरनाक है, तो मुझे पता है यार आप लोग वीडियो का वेट करोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।